हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग पत्नी. गुड इवनिंग पूर्णा. हाय देवश्री. गुड इवनिंग शिवांग. गुड इवनिंग यश. क्या लेट मी शेयर द स्क्रीन. राइट, सो व्हाट वाज द टारगेट ऑफ दिस वीक. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. सो हम लोगों ने आई थिंक एज पार्ट ऑफ टुडेज टारगेट आप लोगों ने रिकॉर्डिंग नंबर 4 4 है कि 5 है. आई थिंक रिकॉर्डिंग नंबर 5 देख लिया होगा. हाँ ठीक है, गिव मी 1 मिनट. अभी आई थिंक थोड़ा बेटर आवाज आएगा. All right, so now as part of this recording, I think आप लोगों ने एक तो आयोनिक रेडियस के बारे में डिस्कशन किया होगा to begin with, and then most of the focus would have been on ionization energy or ionization enthalpy, right? So let's understand those topics first. And in fact, before this, मैंने आप लोगों को actually homework भी दिया था, right? I remember. Right. So there was this homework from I think FBO section 1 to 25. ठीक है. हाँ, मैंने अभी कोई रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करी है. मैं आज सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए. आई विल सेंड होमवर्क एज वेल एज रिकॉर्डिंग एज अ टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिकनसाइल टुडेज टारगेट. ऑल राइट, नाउ लेट मी फर्स्ट डू द डाउट डिस्कशन. Let me just open the booklet first. आप लोगों ने hopefully ये questions attempt कर रहे होंगे. All right, this is also right a concern that was shared by many students, that please do not give much homework because we have to prepare for exams. कौन से एग्जाम्स की बात कर रहे हो आप? पेस वाले. वो तो हर हफ्ते होगा. पढ़ाना छोड़ दूं मैं? So I think let me set this thing straight up front. You will only get a preparatory respite for major tests. These topic-wise tests, these online TWDs which we call, ये regularly होते रहेंगे. ठीक है, you will not get preparatory leave for this thing. मतलब in fact ऐसा होगा कि आप लोगों का संडे को एग्जाम है तो संडे को शाम को क्लास भी हो जाएगी या सैटरडे को शाम को क्लास भी रहेगी. सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड. एंड दिस इज समथिंग विच इज अ लेसन लर्न्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. इट्स अ लेसन लर्न्ड द हार्ड वे.
प्रायोरिटी नंबर वन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी द करंट ऑनगोइंग सिलेबस. नो मैटर व्हाट टेस्ट व्हेन इट्स देयर, अगर आपको कुछ क्लास असाइन किया गया है तो आप वो क्लास मिस नहीं करोगे. ठीक है, आई डोंट नो बट देयर इज दिस सेंस ऑफ काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं इसको, डर लगता है कहीं स्टूडेंट्स को, और दे आर सो यूज टू प्रिपरेटरी लीव्स दैट टेस्ट होने वाला है, सो वी आर गोइंग टू यू नो हैव सम डेज ऑफ बिफोर द टेस्ट. प्लीज बेयर दिस इन माइंड, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड अगर जिस यू नो फ्रीक्वेंसी से आप लोगों की टेस्टिंग शुरू होगी अब, ठीक है, अभी तो खैर इजी टाइम था लाइक बिकॉज यू आर एडजस्टिंग टू द न्यू मेथडोलॉजीज ऑफ स्टडिंग, बट अब आपके टेस्ट रेगुलरली आते जाएंगे. आपने देखा होगा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट प्लानर ऑल्सो इज समथिंग इन दिस मैनर की ऑलमोस्ट अभी से एमटी तक के बीच में यू हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट कमिंग योर वे ऑलमोस्ट एवरी वीक. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी यू नो गिवन डेडिकेटेड टाइम कि चलो अब प्रिपरेशन लीव है और अब बैठ जाओ और बैठ के प्रिपेयर करो. एंड हैविंग सेड दिस आई विल अगेन रिइटरेट, प्रायोरिटी नंबर वन इज ऑन गोइंग सिलेबस. ठीक है, इफ आई गिव यू लेट मी रीशेयर द स्क्रीन, इफ आई गिव यू सर्टन होमवर्क, इफ आई आस्क यू टू अटेंड सर्टन क्लास, देन यू हैव टू do or perform that task as your first priority. उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा तो आप फिर टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे. ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो फ्रॉम आर साइड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ टेस्ट आ रहा है तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा. आई विल ऑल्सो ट्राई टू मैनेज द वर्कलोड इन दिस मैनर दैट आप दोनों को आपको बैलेंस मिले. ठीक है, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीटली अवे विद द ऑनगोइंग सिलेबस, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. सो आई होप यू हैव डन योर होमवर्क एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टुडे व्हिच अगेन यू विल हैव टू डू बिफोर द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे. ठीक है, ऑल राइट. So yeah, as I was talking about the doubt discussion part, is पहले पेज पे देख लेते हैं, 1 से लेकर 12 के बीच में any doubts? All right. So there is 10th question. ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ. 10th one is a common doubt. Okay. ठीक है, देन 12th वन एंड एक बार 6th वाला भी देख लेते हैं. ठीक है, सो आइसो, ओके 6th वाला क्वेश्चन जो है दैट टॉक्स अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डेफिनेशन होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ यू हैव टू जस्ट डू द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ऑप्शंस दैट आर गिवन and they should get the answer. इसमें कुछ खास है नहीं. Okay. 10th question में काफी students को doubt है which one of the following shows paramagnetic character. Paramagnetic character मतलब mu is not zero. ठीक है. There are unpaired electron. Number of unpaired electron is greater than equal to one. So आप option by option जाओ and identify करो. Scandium 3 plus का आप configuration देखोगे. So it will be argon and scandium 3 plus hai. Oh, scandium 3 plus mein matlab 4s2 3s1, ha to argon hi configuration ho gaya iska. It's a noble gas configuration, number of unpaired electron zero ho gaya. Then Fe2 plus, iska configuration kya raha tha, argon 3d6, to iske andar number of unpaired electron 4 aayenge, right? Mn7 plus का configuration argon रहेगा, साथ के साथ electrons के उड़ गए, number of unpaired electrons zero है,
And then titanium 4 plus also has the same configuration as that of argon. All the electrons are paired up. So you have D option as your answer. Maybe a simple enough. Shouldn't have been much of a doubt. Now, post this question number 12. Aapka question number 12 mein kya doubt hai? Which of the following same hi ho gaya, isoelectronic species. Isoelectronic. It means same number of electrons. So you just have to do that counting again. Go option by option and check. I think as far as I can look and tell, B option lag raha hai mujhe. Sab mein 14 electrons present hai. Theek hai. So this should be easy to do and understand. All right. एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए आपको. नाइन्थ क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बेसिक है. मतलब आपको हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और उसमें काउंटिंग करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का. एट्थ क्वेश्चन में इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 4d इलेक्ट्रॉन. सो How would you go about it? Fourth period में आप नोटिस करोगे तो 4d इलेक्ट्रॉन्स फिल ही नहीं होंगे ना. राइट. इन द एट्थ क्वेश्चन फोर्थ पीरियड में जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 4s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 4p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एंड 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. 4d तो फिल ही नहीं होगा. सो आंसर वुड बी 0. ठीक है, 4d में इलेक्ट्रॉन्स ही फिल नहीं होंगे. फिफ्थ वाले में एज पर मेंडेलीव्स टेबल विच मेन ग्रुप एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द ग्रुप नंबर. तो हैलोजन्स का डिफरेंट एक्चुअली नोबल गैस का रहेगा ना. नोबल गैस का उन्होंने 0 असाइन कर दिया था. विच मेन ग्रुप हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देन द ग्रुप नंबर. राइट. सो ये नोबल गैस का इट वाज असाइन ग्रुप 0 एंड दैट ग्रुप 0 डिड नॉट हैव did not mean that there are 0 electrons in the outer shell. So that is why this D option does not match. Theek hai. All right. Then 13 se 25 ke beech mein isme batao kahan kahan doubt hai. All right, 14th में है, 20th में है, 19th में है, 17 and 25 and 14. अच्छा नहीं, 14 तो बोल दिया. ठीक है. All right. देर इनको डिस्कस कर देंगे करके. 14th क्वेश्चन में ऑल राइट. ये आप लोगों ने आज की रिकॉर्डिंग में देखा होगा, एज इन द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग नंबर 5 में देखा होगा आपने. इसमें आयनिक स्पीशीज का रेडियस कंपेयर करा है. तो इसमें कैसा रहेगा, N3- O2- एंड F-. राइट. इनका दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, दैट मींस दे हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन.
ठीक है, तो इनका जो सिग्मा रहेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट वो सेम रहेगा राइट, एंड जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड का ऑर्डर आप देखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा, तो साइज डिक्रीज करेगा, एंड थ्री माइनस का साइज विल बी ग्रेटेस्ट अमंग्स दीज। ठीक है, ऑल राइट, देन 19th क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। 19th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट राइट, सो ये वापस एज आई सेड ये आज आप लोगों ने रिकॉर्डिंग नंबर 5 देखा है कि नहीं देखा है, जिसको भी डाउट आ रहा है 14th एंड 19th कौन था, वैष्णव देखा है कि नहीं देखा तुमने रिकॉर्डिंग, व्हाट अबाउट यू श्रेयस, तुमने भी 19th क्वेश्चन पूछा, सो उसमें है ना ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, सो आप अलग अलग करके एक बार ऑब्जर्व करो, ए एंड बी आपको देखना पड़ेगा, सो ए एंड बी ऑप्शन कैसा है, सी एल माइनस एंड एस टू माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक राइट, एंड बिटवीन दीज टू Z of Cl is more, so Z effective of Cl will be greater because they are isoelectronic, they will have the same electronic configuration and same screening. ठीक है, similarly if you compare Na plus and F minus, कहाँ गया कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना, 19 था, Na प्लस एंड F माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें कैसा रहेगा, ऑन द सेम लाइंस इफ यू टॉक अबाउट द Z इफेक्टिव, Na प्लस का ज्यादा रहेगा, साइज ऑफ F माइनस विल बी ग्रेटर, यहां पर साइज ऑफ एस टू माइनस वॉज ग्रेटर, नाउ बिटवीन दीज टू एफ माइनस एंड एस टू माइनस, ठीक है, बिटवीन दीज टू एस टू माइनस का साइज एफ माइनस से बड़ा होगा बिकॉज दिस इज इन द थर्ड ग्रुप, एज इन इट इज इन द थर्ड पीरियड एंड ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही है, ठीक है, और यू कुड हैव कंपेयर्ड एफ माइनस एंड सी एल माइनस फर्स्ट इफ यू आर लाइक कि नहीं मतलब दे आर नॉट इन द सेम कॉलम सो आई विल नॉट गो इन दिस मैनर, सो देन यू कैन चूज टू कंपेयर सी एल माइनस एंड एफ माइनस फर्स्ट एंड देन गेट एन आंसर दैट बिटवीन एफ माइनस एंड सी एल माइनस इज ग्रेटर देन साइज बट बिटवीन सी एल माइनस एंड एस टू माइनस हैज अ ग्रेटर साइज, यू कैन गो टू You can choose to go in that manner also. ठीक है, so I hope ये वाला भी आपको समझ में आया हो, ठीक है, then 17th question, 17th question में Cl minus and K plus are isoelectronic, then देयर साइज ऑफकोर्स नॉट, जेड उनका अलग अलग है, ठीक है, जिसका जेड ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा एंड एज अ रिजल्ट साइज कम होगा, सो के प्लस एन इज स्मॉलर इन साइज सी एल माइनस इज बिगर, तो ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 17th इज अगेन ऑन द सेम लाइन ओनली, ठीक है, डी ऑप्शन दैट डज नॉट मेक सेंस ना,
Cl minus and K plus are isoelectronic, then their size depends on other cation and anion? No. Matlab, what does it have to do with other cation and anion? Nothing. हम तो इंडिविजुअल आयन के साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? Then 20th question. हाँ, alright. So 20th question में एक लर्निंग ये रहेगी दैट ट्रेंड इज इम्पॉर्टेंट. आपसे वैल्यूज नहीं एक्सपेक्ट करी जा रही है, ठीक है? जो वैल्यूज वहां पर दी हुई है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करा जा रहा है आपसे कि आपको ये वैल्यूज याद हो. सॉरी, वैल्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ओनली. तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि सी एल माइनस एंड एन ए प्लस, एन ए एंड सी एल एटम, इनके बीच में कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है? द कंपेरिजन इज बिटवीन एन ए एंड एन ए प्लस. सो डेफिनेटली कैटायन का साइज छोटा हो जाता है, सी एल एंड सी एल माइनस में अनायन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है? एंड इनके बीच में अगर मुझे जाना है लाइक एन ए एंड सी एल, दे आर अक्रॉस अ ग्रुप, साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड. सो नाउ यू कैन मेक सम कॉमेंट्स बिटवीन बाय रीडिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन. सो यहां पर क्या कह रहा है कि सी एल माइनस एंड एन ए प्लस में एन ए प्लस का साइज ज्यादा बताया जा रहा है. एन ए प्लस एंड सी एल माइनस, एन ए प्लस ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है एक बार के लिए बोलना, इसको एक बार होल्ड करते हैं. बी ऑप्शन पे जाते हैं पहले. क्लोरीन एटम एंड सोडियम एटम, इट इज सेइंग कि सोडियम एटम का साइज ज्यादा है, क्लोरीन एटम का साइज कम है. हाँ, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, हो सकता है. आई डोंट नो द वैल्यूज बट आई कैन स्टिल कॉमेंट ऑन द ट्रेंड दैट एन ए एटम का साइज बड़ा होगा, सी एल एटम का छोटा होगा, बिकॉज अक्रॉस अ पीरियड एज वी गो साइज वुड डिक्रीज. देन रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज दिस एंड सी एल माइनस आयन इज दिस, ये डेफिनेटली गड़बड़ हो गया. सी इज गड़बड़ बिकॉज सी के अंदर like जो अनायन है उसका साइज तो बढ़ जाना चाहिए ना, कम थोड़ा ना होगा. तो सी डेफिनेटली गड़बड़ है. डी ऑप्शन में रेडियस ऑफ एन ए एटम एंड एन ए प्लस आयन दिया हुआ, एन ए प्लस आयन का साइज बड़ा कर दिया, कटायन का साइज बड़ा कर दिया एटम, तो ये भी गड़बड़ हो गया. राइट, सो यू कैन रीड दैट सी एंड डी ऑप्शन दे आर डेफिनेटली इनकरेक्ट. ठीक है, देन डी ऑप्शन के बारे में यू कैन से इट इज डेफिनेटली करेक्ट. ए ऑप्शन के बारे में आई एम नॉट श्योर. सी एल माइनस एंड एन ए प्लस आयन, अभी सी एल माइनस सी एल से बड़ा होगा, बट एन ए प्लस एन ए से छोटा है, बट इज इट मतलब एन ए ग्रेटर देन, सो इसमें मतलब द थिंग इज दैट आई वुड नॉट बी एबल टू से जस्ट बेस्ड ऑन द डेटा. ऑल्दो मतलब मुझे इंट्यूटिव आइडिया रहेगा दैट सी एल माइनस आयन, मतलब जनरली अनायंस का साइज काफी बढ़ जाता है,
ठीक है, मतलब आप देखोगे एन ए प्लस में तो क्या हो रहा है, पूरा थर्ड शेल गायब हो गया, तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द साइज. एंड जब अनायंस फॉर्म होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज. तो मोस्ट लाइकली मैं भी यही बोलूंगा कि ये गड़बड़ ऑप्शन है, बट आई विल नॉट बी श्योर फॉर ऑल आई केयर, बिकॉज मुझे जो डेफिनेट ट्रेंड्स कंपेयर करने का आता हूँ मैं यहीं से कंपेयर कर रहा हूँ. तो क्योंकि ये सिंगल चॉइस करेक्ट है, आई विल गो विद द बी ऑप्शन, आंसरिंग इट टू बी डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है, ऑल राइट. देन आप लोगों ने 25th क्वेश्चन भी पूछा है, 25th क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार. हाँ, सो इसमें वापस से आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, Li प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, सो बिटवीन दीज टू जेड इफेक्टिव बेरिलियम 2 प्लस का ज्यादा होगा, उसका साइज कम हो जाएगा. ठीक है, देन Mg2+ एंड K+ के बीच में, Mg2+ एंड K+ के बीच में, नहीं सॉरी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, इट विल बी Mg2+ एंड Al3+, दे विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक. Mg2+ एंड Al3+ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो इसमें यू विल फाइंड दैट अगेन Al3+ का साइज छोटा है. ठीक है, नाउ K+ तो थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड में आ गया, ये फर्स्ट रो या फर्स्ट पीरियड के आयंस है. ठीक है, ये सेकंड पीरियड के आयंस है और ये थर्ड पीरियड का आयन है. सो इसमें डेफिनेटली यू कैन से दैट ये के प्लस जो है ये लार्जर इन साइज है एंड फर्स्ट पीरियड विल बी स्मॉलर इन साइज. ठीक है, एंड बिटवीन दीज टू बेरिलियम 2 प्लस इज लेसर. सो अमंग्स दिस दीज एग्जाम्पल्स दिस विल बी द स्मॉलेस्ट. ठीक है, so keeping this in mind you get D option as your correct answer. ठीक है, all right, then start कर गया. अच्छा रुद्र, क्या डाउट पूछ रहे हो? इफ एल्युमिनियम 3 प्लस इज स्मॉलर देन Mg 2 प्लस देन व्हाई इजंट बेरियम 2 प्लस स्मॉलर देन Li 2 प्लस? तो वही तो लिखा है, बेरिलियम 2 प्लस इज स्मॉलर देन Li प्लस. तुम क्या रीड कर रहे हो? मतलब माना मेरी राइटिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट ये इतना तो समझ में आना चाहिए. ऑल राइट, सो या आई थिंक दीज वर द की डाउट्स फ्रॉम द साइज वाला सेक्शन. आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस टुडे टू प्रैक्टिस. एंड नाउ देयर इज दिस इंपॉर्टेंट टेक अवे, ठीक है, दैट यू शुड हैव. क्या कह रहे हो सुमित? कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ. फिफ्थ में क्या था? इसमें नोबल गैसेस को ग्रुप जीरो बोला ना. नोबल गैसेस वर गिवन द नेम ग्रुप जीरो. नाउ डू नोबल गैसेस हैव जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द आंसर इज नो. दैट्स इट. ऑल राइट. Yeah, so as I was saying, an important understanding here would be
जब आगे मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में प्रैक्टिस करने के लिए, यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस लाइक यू आर गिविंग अ टेस्ट. ठीक है, बिकॉज आई विल टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम सच चैप्टर्स. व्हेन आई से सच चैप्टर्स आई मीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इफ यू क्लासिफाई chemistry into physical, organic, inorganic, periodic properties is inorganic chemistry का पहला chapter. ठीक है, मतलब you can also say it is general chemistry because it is so fundamental in nature कि हर जगह काम में आएगा. मतलब इसमें जो आप सीखोगे वो physical chemistry में, organic में, सब जगह काम आने वाला है. तो it is kind of general chemistry also, but the nature of the questions, the nature of the chapter will be quite subjective in nature. तो इन क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू हैव टू बी राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, तो वो होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, बट करेंगे किस तरीके से, दे विल सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन मैच देयर आंसर विद द आंसर की. ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर थोड़े से पजल होंगे, फिर नोट्स रेफर कर लेंगे और उनको फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि अच्छा अच्छा नहीं नोट्स में तो ऐसा लिखा था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देन नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाते जाएंगे. एंड फॉर एवरी क्वेश्चन दे आर गोइंग टू चेक देयर रिस्पांस रियल टाइम एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ. नाउ व्हाट हैपेंस एट द एंड, आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा दैट ओके होमवर्क तो पूरा हो गया है एंड वो भी फटाफट हो गया है क्योंकि टाइम तो लगा नहीं इसमें. And you will be feeling very happy कि अरे क्या chapter है, ये तो मतलब फटाफट फटाफट हुए जा रहा है. But what you will not realize is that you did not get an honest feedback of how you really performed in that homework. Because answer match नहीं कर रहा था तो आपने तो फटाफट नोट से देख लिया. एंड एक बार जब आंसर देख लेते हैं फिर उसके बाद में ऐसा अच्छा हाँ 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 ओ ये तो हाँ राइट ये एक्सप्लेनेशन होगा वो ऐसा लगने लगता है. अरे हाँ ये तो एक्सेप्शन था, अरे अरे ठीक है याद आ गया. बट दिस इज समथिंग विच यू आर नॉट गेटिंग एन ऑनेस्ट फीडबैक. द वे इन विच यू विल गेट एन ऑनेस्ट फीडबैक इज इफ यू प्रैक्टिस दिस लाइक अ टेस्ट. आपको मैंने 25 क्वेश्चन दिए एंड बाय द एंड ऑफ दोज 25 क्वेश्चंस यू कैलकुलेट योर स्कोर. ठीक है, आपने 25 क्वेश्चन एक साथ दिए, देन यू गो इन द एंड ऑफ द बुकलेट एंड यू सी कि अच्छा हाँ, देन यू स्टार्ट मैचिंग योर आंसर्स कि ओके दीज आर द आंसर्स एंड देन यू कैलकुलेट योर स्कोर फॉर योर सेल्फ. ठीक है, दिस इज देन गोइंग टू गिव यू एन एक्चुअल फीडबैक कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो. ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप कितना अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो. ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन वेल देन यू विल नीड टू रिवाइज, यू विल नीड टू काइंड ऑफ री राइट द नोट्स एंड काइंड ऑफ पुट इन अ डबल एफर्ट इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन. बट अगर आप बार बार नोट्स रेफर करके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा ये कि आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है सिंपली तो है लिखा तो है, जो नोट्स में लिखा उसी पर तो क्वेश्चन पूछ लिया. वही होता रहेगा, जो नोट्स में होगा उसी पे से क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज जाएगी बट मोर और लेस यू विल फाइंड एवरी क्वेश्चन दैट इज देयर कैन बी कनेक्टेड टू व्हाट इज देयर इन द नोट्स इटसेल्फ. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टेक अवे फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन सच अ चैप्टर इज प्रैक्टिस इट लाइक अ टेस्ट, सी इफ यू आर एबल टू गेट आंसर्स राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट मी देन बिगिन टुडेज डिस्कशन विद द आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट. अच्छा, आप लोगों को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस में कुछ डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. ठीक है, बिफोर आई बिगिन विद द आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन,
ऑल राइट, क्या डाउट है लक्ष्मी तुम्हारा? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा शॉर्ट में बता सकते हैं? सो ओके, प्रैक्टिस लगती है। देखो जब तक आप खुद से दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है? ऑल इट इज इट दैट यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो लिखे हुए हैं रूल्स, ठीक है? सो लेट्स से यू आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, दैट कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ पोटेशियम, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप पहले पोटेशियम का कॉन्फिग्रेशन लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ठीक है? पोटेशियम का कॉन्फिग्रेशन रहेगा। फिर आप इसमें ग्रुपिंग करोगे, राइट? इसमें NsNp का ग्रुपिंग रहेगा, इस तरीके से ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है? ये तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये मतलब दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। वेयर एज दीज रिमेनिंग आर दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इतना आइडेंटिफाई करने के बाद में अब आप रूल्स पढ़ोगे। रूल्स में कैसा रहेगा कि सेम ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे दे विल बी शील्डिंग आई थिंक 0.3, ठीक है? तो सेम ग्रुप में अपार्ट फ्रॉम टेस्ट इलेक्ट्रॉन देर इज नो इलेक्ट्रॉन। देन और क्या रूल था, मुझे तो याद भी नहीं आता। N-1 शेल, सीधे N-1 शेल का ही था ना फिर? हाँ, N-1 शेल। तो ये N-1 शेल हो गया, इसके अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड ईच ऑफ देम विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग 0.85 टू सिग्मा, ठीक है? देन N-2 एंड लोअर शेल्स, तो मतलब ये सारे हो गए, ठीक है? दिस वॉज यू कैन से N-1 शेल एंड दिस इज N-2 शेल एंड लोअर, ठीक है? तो इसमें यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दैट यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है? अब अगर यहीं पर मान लो पोटेशियम की जगह लेट्स से मैं Fe2+ आयन बोल देता, तो आप कॉन्फिग्रेशन लिखते और उसमें जो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल लो, दैट वुड बी इन द थ्री डी सबशेल। तो 3D वाले रूल्स फॉलो करना होगा बस, ठीक है? दैट्स इट। सो काफी सिंपल रहेगा, ठीक है? ऑल राइट, इसके अलावा ओके, तनिषा का डाउट क्या है, कैन वी कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ मेटल्स बाय वंडरवॉल्स फॉर्मूला? वंडरवॉल रेडियस मेटल्स के लिए मतलब इन जनरल इट विल नॉट बी एप्लीकेबल एज सच। मतलब मेटल्स के लिए आइदर यू गो फॉर द मेटालिक रेडियस और यू गो फॉर दिस कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? वंडरवॉल रेडियस इज टिपिकली हम लोग नॉन मेटल्स या नोबल गैसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, देन यश का डाउट है, क्रिस्टल साइज एंड मेटालिक साइज आर द सेम? सो ओके, मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बोलते हैं, ठीक है? आप लोगों ने इनफैक्ट आई थिंक जूनियर क्लासेस में शायद पढ़ा हो दैट सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, सो जो मेटल्स होते हैं दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर,
in which atoms are regularly arranged. Okay, they have a regular pattern of arrangement. So when they say metallic size, it means crystalline size only. Matlab that is one and the same thing only. Okay. Then तुम बीच बीच में ऐसा मत जागो तनिषा, जब मैंने पूछा था उस टाइम पर बोलो ना कहाँ पर अटक गए थे डाउट्स। फोर्थ क्वेश्चन में अब देखो ना, टिपिकली वैन डर वाल रेडियस इज बिगर देन मेटालिक रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना? क्रिस्टल मींस मेटालिक रेडियस ओनली। ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास में डी ब्लॉक का ट्रेंड अच्छे से समझा होगा। ठीक है, डी ब्लॉक में जब हम लोग एटॉमिक साइज का डिस्कशन कर रहे थे, डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस एंड ऑल, वो सब ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, अभी आज जो मैं होमवर्क दूंगा उसमें उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग। ठीक है, इनफैक्ट हाँ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। जब भी आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आगे पढ़ाई करोगे, ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क एंड उसके पहले आप जब नोट्स रिवाइज करोगे तो स्टार्टिंग से रिवाइज करना। ठीक है, ये मत डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है, कि सर ने होमवर्क दिया है, नोट्स तो पड़े हुए हैं, ठीक है होमवर्क करना शुरू करते हैं, दैट इज द टारगेट, एंड फिर कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर नोट्स में से रेफर कर लेंगे। ठीक है, आप वो कर सकते थे कब, जब लेट्स से न्यूमेरिकल चैप्टर था। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मोल कंसेप्ट का चैप्टर था तो उसमें थ्योरी के नाम पे हार्डली कुछ था, ऑल इट वाज अबाउट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, बट इस केस में जैसे मैंने आपको बताया है दैट आपको होमवर्क जो दूंगा मैं वो आपको टेस्ट की तरह देना है, तो उसके पहले नोट्स पढ़ के फिर टेस्ट की तरह उस होमवर्क को अटेम्प्ट करना एंड नोट स्टार्टिंग से पढ़ना। अच्छा, ये चीजें थी जिनको याद रखना है। एंड नाउ लेट्स से एक घंटा लिया, रिवीजन करा, और उसके बाद में इट विल टेक हाफ एन आवर ओनली, और डिपेंडिंग अपॉन कितने क्वेश्चंस हैं, मे बी वन आवर टू डू द होमवर्क। ठीक है, सो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स दैट आर देयर। ठीक है, मैं उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर कर दूंगा। नहीं, आपको वैष्णव वैसे बुकलेट से अलग से कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो वीडियो लेक्चर से नोट्स बना रहे हो वही काफी रहेंगे, उसी में डिटेल्स कवर हो जाएंगी जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, बट प्लीज फॉलो दिस, रिवाइज फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट हैज बीन टॉट इन दिस चैप्टर एंड देन अटेम्प्ट द होमवर्क लाइक अ टेस्ट एंड चेक आउट कितना आपको याद रह पा रहा है। ठीक है, टेक अ फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द स्कोर दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, बाद में फिर टेस्ट में सरप्राइज नहीं मिलेगा, पहले ही पता पड़ जाएगा कि हाँ मतलब मुझे रट्टा मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन थिंग। मतलब देर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट रट्टा एंड देर आर स्टूडेंट्स जिनको रट्टा मारने में बहुत कंटाल आता है, लाइक दे विल बी वेरी अवर्स साइकोलॉजिकली टू बिगिन विद। ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप वुड बी टू डायग्नोस हाउ डू यू अंडरस्टैंड और हाउ डू यू फील विद सच अ चैप्टर। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे लिए दोनों टर्म सेम रहेंगे। ठीक है,
although ionization enthalpy is a more technical thermodynamic term as compared to ionization energy. But hamare liye, while we are going to solve and discuss questions, they both mean same. So in the beginning, aap logon ne notice kiya hoga when we were discussing ionization energy in the video lectures. So the first part about the periodic property was that what it is. Theek hai? What is ionization energy? And you would have understood the technical definition of it. Each and every word is important. Theek hai? Remember each word in the definition, because that makes the definition less ambiguous and more clear. Then iske baad mein aap logon ne ek nomenclature bhi sikha hoga. What is IE1, IE2, IE3 and so on so forth. So that nomenclature is also important. So sabse pehle ek definition, then ek nomenclature. एंड इसमें मैंने आपको एक ट्रेंड भी बताया होगा दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. व्हाई? बिकॉज आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा ना. जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा. जेड तो कांस्टेंट है, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे. एंड सिग्मा क्या होता जाएगा? सिग्मा कम होता जाएगा बिकॉज यू विल कीप ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. सो जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता जाएगा तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा. ठीक है. देन इसके बाद में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा यूनिट्स क्या रहेंगी आयनाइजेशन एनर्जी की. यूनिट्स का इंटरप्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है या फिर किलो जूल पर मोल में है या फिर किलो कैलोरी पर मोल में है. डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज होती हैं. राइट. इनका इंटर कन्वर्जन भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर. ठीक है. इनफैक्ट लेट मी आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस from expertise attainer of atomic structure. ठीक है. I think now you will be able to better relate with that question. कहाँ गया? Wait. इसमें आपका यूनिट्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा. किया हुआ है सॉल्व किसी ने वाला क्वेश्चन? तो आया प्रत्याशा आंसर आपको इसका कैसे करना है? नहीं नहीं सुमित, बिल्कुल भी नहीं. यूनिटरी मेथड से तो मतलब ये तुम लोगों ने नया कुछ सीख लिया है क्या? ऐसे मतलब मोल कंसेप्ट में बहुत काम आता था यूनिटरी, अभी ऐसे
इतना कन्वीनियंटली हर जगह मत चिपका उसको। सो आई विल गिव यू अ हिंट, दैट ये जो ओवरऑल प्रोसेस लिखा है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, दिस इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। हाउ, ये आप देखो ना, आप लिखो यहां पर आई वन क्या लिखोगे आप, आई वन विल बी लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, देन आई टू क्या होगा, लिथियम प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लिथियम टू प्लस बन जाएगा। ठीक है, आई थ्री क्या होगा, लिथियम टू प्लस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली आई वन, आई टू एंड आई थ्री। इनको अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू कम, यही आएगा आपका, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू अपीयर। ठीक है, सो यू हैव बीन गिवन वन इक्वेशन दैट कितना ये 20,000, दिस इज 20,000 किलो जूल पर मोल, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन आपको फर्स्ट आई ऑफ लिथियम दे दिया है। ठीक है, आपको सेकेंड इंफॉर्मेशन भी मिल गई है दैट आई वन हैज बीन गिवन टू यू एज 520 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो तीन वेरिएबल है आई वन, आई टू, आई थ्री। ठीक है, बट दो ही इक्वेशन बनी है अभी तक, दो ही डेटा पॉइंट है। व्हाट अबाउट द थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? डू यू हैव एनी अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन माइंड? बोर्स मॉडल का आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है आपने? पूर्णा, यू डिड मेक सेंस बट थोड़ा सा गलत हो गए यहां पर। दिस इज वेयर द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज दैट Li2+ विल बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, सिंस इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इंप्लाइज बोर्स मॉडल और बोर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इट, राइट? तो इसका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा दैट दिस विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की यूनिट में रहेगा, तो इसको आप किलो जूल पर मोल की यूनिट में लेके आओगे कैसे? 13.6 इंटू 9 इंटू क्या मल्टीप्लाई करते थे, व्हाट वाज द फैक्टर? ईवी एंड ईवी पर एटम एंड किलो जूल पर मोल का नहीं, वो तो ईवी और जूल का था आई थिंक 98, हाँ मुझे भी ऐसा कुछ याद आ रहा है, 98 किलो जूल पर मोल, ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को पहले। इनफैक्ट ऐसा था, 1 EV पर एटम इक्वल टू किलो जूल पर मोल। ठीक है, 98 थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, 96.5। तो दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, नहीं होता है इतना जल्दी स्टूडेंट से, ये स्ट्राइक कर जाएगा अगर, तो आपके सामने थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है,
जी जी नहीं है, ये 9 है बाबा, क्या कर रहे हो, 3 का स्क्वायर 9 है ये सुमित। ठीक है देख, कुछ डाउट पूछना है तुमको? सर हम लोग दोनों IE2 और IE3 दोनों से बोर फॉर्मूला से नहीं कर सकते? नहीं ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अच्छा ओके हाँ थैंक यू सर। हाँ, यहाँ पर तो एक गैस है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में देखा ना आपने, ये गैस के लिए ही है एप्लीकेबल। ठीक है, वो डेफिनेशन में आइसोलेटेड एटम या आयन होना चाहिए। ठीक है, तो आइसोलेटेड कैसा रहेगा, गैसीय स्टेट में रहेगा। ठीक है, अच्छा इनफैक्ट रिमाइंड मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, हाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रैक्टिकली मेजर्ड। ठीक है, आई विल शेयर अ यूट्यूब वीडियो, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, इट्स अ 20 मिनट ऑड वीडियो, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर गीक्स, दे विल रियली एंजॉय द वीडियो। ठीक है, इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी ऑफ हाउ एज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, कोई एनिमेशन एनिमेशन नहीं, इट्स एन एक्चुअल लैब सेटअप ऑफ हाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा, आप लोग मुझे एक बार याद दिलाना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। ऑल राइट, सो व्हाट वाला पार्ट आपको समझ में आया, देन केम द फैक्टर्स। ठीक है, इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज लेट मी पेस्ट द लिंक हेयर इटसेल्फ, या आप लोग फिर यही वाला है। When we plot the rest of the noble gas data, we see that the ionization energies of the noble. Purana video hai, as in the quality is not that great, video quality, but very articulate. ठीक है? ठीक है, तो ये मैं लिंक यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये जब सेंड करूंगा तो इसमें साथ में आप आ जाएगा, क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, इसमें जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, दैट देयर आर अ सेट ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर्स आर ऑफ साइज एंड जेड इफेक्टिव, while the primary factors came out to be the penetration power and configuration, half filled or fully filled configuration. ठीक है, in fact इसमें while explaining these secondary factors, यहाँ पर मैंने एक disclaimer साथ में दिया था that these factors are applicable for comparison between adjacent elements. ठीक है, इनका इतना ही इफेक्ट रहता है that they are able to change the trend between adjacent elements. Otherwise, the broad trend comes from the first two factors.
ठीक है, कैसा रहता था, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। देन इन पर बेस्ड आप लोगों ने ट्रेंड्स भी ऑब्जर्व करे होंगे, ठीक है, एंड इन दोज ट्रेंड्स कपल ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वुड हैव कम आउट। हीलियम हैज हाईएस्ट आईई, ठीक है, अमंगस्ट एटम्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, एंड सीजियम, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सो सीशियम हैज लोएस्ट आई, ठीक है। नाउ इसका एक वैल्यू मैं आपको बोलूंगा याद रखने के लिए, ठीक है, बाद में मुझे काम आएगा, ठीक है, मैंने उस टाइम पे नोट्स में बोला नहीं होगा, बट बाद में जरूर मैं इसको हाईलाइट करूंगा व्हाइल सॉल्विंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो इफ यू रिमेंबर, लेट मी जस्ट ऐड दिस टू योर नोट्स, हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, सॉरी सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ध्यान रखना अराउंड 375, ठीक है, दिस इज समवेयर अराउंड 375 किलो जूल पर मोल, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम आएगा इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको व्हाइल सॉल्विंग सर्टन क्वेश्चंस, बट इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, ठीक है। देन नॉर्मल ट्रेंड्स कैसे थे इसके, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, टॉप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है, एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो मैंने आपको बताया ही था, दैट फॉर एन गिवन एलिमेंट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग मैनर, ठीक है। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज ब्रॉड ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ these secondary factors, ठीक है, how they play a role, you would have noticed the trend of IE1 of second period elements, ठीक है, and you would have noticed the trend of IE2 also of the same set of elements, ठीक है, दो एग्जाम्पल को मैंने डिटेल में कवर किया है सो एज टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी फैक्टर्स, तो इसमें आपने देखा होगा दैट हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज अ रोल वेयर द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एस orbital or p orbital or whether the electron is being removed from a half filled or a full filled configuration, you would have noticed the entire trend. Then after understanding these you would have seen the exceptions, ठीक है, that are there, and again the exceptions would have been classified in the S, P and P block together and then D block together, ठीक है, I think D block के exceptions नहीं थे fifth recording में, I think only S and P block के ही थे, am I correct?
जो आपने देखा होगा यहाँ पर एक्सेप्शंस डिस्कस करते वक्त, ठीक है, आई थिंक एसएनपी ब्लॉक के एक्सेप्शंस ही प्राइमरी थे, डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस भी थे उसमें या नहीं थे? डी ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक नहीं था, ठीक है, एस एन पी ब्लॉक के एक्सेप्शंस ही थे आप लोगों ने पहले, इसी के ऊपर फोकस किया होगा। एंड इसमें एक्चुअली है, मतलब देर आर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्सेप्शंस व्हिच यू वुड हैव फोकस्ड अक्रॉस अ पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप, राइट? सो विद इन एस एन पी ब्लॉक across period you would have found the exceptions because of penetration power and half filled and full filled configuration, okay, and then you would have found down the group set of exceptions because of poor shielding of 3d electrons, ठीक है, सॉरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ आई वुड रीहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पर देर इज बोरॉन फैमिली, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी एंड देन बिस्मथ एंड देन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ठीक है। सो इसमें लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर आई शुड से बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी नॉट एल्यूमिनियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। सो द एक्सेप्शनल ट्रेंड्स वुड हैव बीन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम ग्रेटर देन गैलियम, राइट? सो एक ये सेट ऑफ एक्सेप्शन थे, ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ ही रहा होगा, ठीक है। देन यू फाउंड वन मोर सेट ऑफ एक्सेप्शन विच वॉज शोन बाय नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ठीक है, दैट दे शोड अ ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी देन द ग्रुप टू देयर राइट, ठीक है, एंड द रीजंस वर आल्सो क्लियर दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक इट वाज ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इन केस ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इट वाज because of the penetration power of s orbitals greater than p orbitals. So this was across a period. Then down the group aap logon ne bhi exception dekha hoga, it was in the boron and carbon family, theek hai, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएनपीबी, राइट? कैसा था आयनाइजेशन एनर्जी? सपोज टू डिक्रीज, ठीक है, एज यू मूव डाउन, ठीक है, बट इन केस ऑफ टिन एंड लेड देयर वाज एन एक्सेप्शन as well as between indium and thallium,
there was this exception. ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम का हम लोग एक्सेप्शन में काउंट नहीं करते हैं, बट इनका आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो वेरी क्लोज इफ यू लुक एट द डेटा. ठीक है, इनफैक्ट मतलब फोर जूम इन. ठीक है, मतलब एज यू कैन सी 477 एंड 478 इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग which is pretty same, but still अगर देखा जाएगा तो हम लोग इनको कई कई बुक्स में इनको एज एन एक्सेप्शन फीचर नहीं करते, बट हम लोग फिर भी एक बार नोटिस करेंगे कि हाँ एल्यूमिनियम गैलियम का भी काइंड ऑफ ये एक्सेप्शन है. ये किसकी वजह से था यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. And here we attribute this exception to the poor shielding of 4F electron. ठीक है, हाँ हाँ, you will have to definitely remember these exceptions. They are a must. ठीक है, then in fact as an additional piece of information, ठीक है, as an additional piece of information मैंने आपको इसमें ये और highlight कराया था that thallium का ionization energy काफी बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है that it is actually the second highest in the ग्रुप. ठीक है, इन द बोरॉन फैमिली दिस बिकम्स द सेकंड हाईएस्ट. सो बोरॉन के बाद में थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम गैलियम आर ऑलमोस्ट द सेम एंड द लीस्ट वुड बी ऑफ इंडियम. ये मैंने एज एन एडिशनल पॉइंट आपको हाईलाइट करा दिया था, बट हाँ ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखने रहेंगे. ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस विच मस्ट बी रिमेम्बर्ड. ये आप याद नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी. ठीक है, देन डी ब्लॉक के ऊपर डेफिनेटली अब आपको मैं दूसरा लेक्चर शेयर करूंगा, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. ठीक है, आप देखोगे डी ब्लॉक में अक्रॉस अ पीरियड बहुत ही वियर्ड रहेगा, डाउन द ग्रुप फिर भी कंपेरिजन हो पाएंगे. ठीक है, नाउ लेट मी टेक वन और टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी एंड ask you to solve. ठीक है, I'm inclined towards picking up कहाँ गया रे FBS. FBO आ गया, हाँ ये वाला question आप लोग ट्राई करोगे. ठीक है, दिस इज मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. बहुत कम एवेन्यूज है यहाँ पे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल होने के, बट दिस इज वन ऑफ देम. सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन कराया था, वैसे इस क्वेश्चन पे भी एक बार आप अटेम्प्ट लो. ठीक है, एंड अंडरस्टैंड लिख लिख के करने की कोशिश करना. ठीक है, विल देन डिस्कस.
All right. आया किसी का आंसर? Okay. So let's see. यहाँ पर one gram of magnesium atoms are there and they absorb 50 kilojoule of energy. Find the percentage of Mg2+ in final mixture if I1 and I2 is this much. Okay, so what they are trying to say is that out of the total energy that is 50 kilojoule that is absorbed, some atoms would have gone into first ionization energy, whereas some would have gone into first as well as second. ठीक है, so यहाँ पर notice करना, sorry not aqueous, this is the first ionization process. So मान लो ये x moles इसमें गए होंगे, ठीक है, तो यहां पर energy required कितना होगा? Energy required would have been x into 740. ठीक है, क्योंकि 740 is on a per mole basis. ठीक है, तो अगर x moles गए हैं तो x into 740 kilojoule energy required होगा. Then some would have lost 2 electrons. तो यहां पर notice करना, energy required would have been how much? Say ये y moles का है. ठीक है, तो एक equation तो आपके पास यहीं से आ रही है, that x plus y is equal to 1/24. ठीक है, क्योंकि 1 gram दिया हुआ है ना, ये 1 gram दिया हुआ है, मतलब 1/24 moles है. ठीक है, so this is already there. Now यहां पर आप observe करना, अगर ये y moles हैं तो यहां पर कितना energy required होगा? This is a combination of I1 plus I2. ठीक है, 740 plus 1450 I1 plus I2, इतना किलो जूल पर मोल लगेगा, तो y मोल से तो मल्टीप्लाइड बाय y. ठीक है, नाउ सिंस इट हैज बीन गिवन दैट 50 किलो जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, सो x इनटू 740 प्लस y इनटू 740 प्लस 1450, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो इफ यू विल सॉल्व फॉर 1 एंड 2, कैसे सॉल्व होगा यहां पे आप क्विकली देखना. फिफ्टी इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे 740 कॉमन ले लूंगा, x प्लस y प्लस 1450 y एंड x प्लस y मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, दिस विल बी 1/24, तो यहां से आपको y मिल जाएगा. ठीक है, कितना आ रहा है ये, हाउ मच इज 740/24, इट इज सम 30.83, सो 19.16 डिवाइड बाय 1450. ठीक है, इतना प्लेजेंट कैलकुलेशन नहीं है,
थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, बट हाँ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, सो हाँ दिस आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 30% टाइप्स. ठीक है, चाहिए तो अपन आंसर देख सकते हैं. 20th क्वेश्चन एफ बी एस का 20th क्वेश्चन 31.7%. ठीक है, ठीक है. सो दिस वॉज आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ यू अंडरस्टूड द एक्सेप्शन पार्ट ऑल्सो, बट ओनली फॉर एस एंड पी ब्लॉक. ठीक है, डी ब्लॉक का एक्सेप्शन आपके लिए अभी हैंडल करना बाकी है. राइट, सो एज अ टारगेट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आई विल शेयर वन मोर वीडियो. ठीक है, इन विच ये डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस एंड आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस के बारे में बात किया है. सो आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस भी हैं विच आर क्वाइट ऑफन यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस. सो आप लोग देखोगे जब मैं आपको होमवर्क दूंगा. राइट, सो लेट मी पुट दिस हियर एज अ टारगेट फॉर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर recording number 6, which is going to cover ionization energy ke exceptions and I have also put the questions for you. Wait a second, ye questions aap log try karoge, main group pe bhi post kar hi dunga. बट ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे आफ्टर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे. ठीक है, सो यहां पर वॉच द रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंड देन अटेम्प्ट दिस. ठीक है, एंड बिफोर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल if you also watch this video of how ionization energy is measured. Okay, काफी interesting video है. In fact, let me share it in the chat also. ठीक है, थोड़ा सा लंबा है. ठीक है, but it is quite interesting. And now because you have studied atomic structure in a good detail, you would be able to appreciate the video a lot. ठीक है, ऑल राइट. हाँ, नाउ अब इसमें कुछ डाउट्स हैं तो बताओ, वी विल डिस्कस. जैसे सुमित का डाउट है इंडियम एंड लेड का एक्सेप्शन. सो इंडियम एंड लेड का एक्सेप्शन क्यों आता है सुमित? बिकॉज एक्सपेक्टेड कैसा है, इंडियम से इंडियम और लेड का एक्सेप्शन थोड़ा ना है, इंडियम एंड थैलियम के बीच में एक्सेप्शन है एंड देन टिन और लेड के बीच में एक्सेप्शन है. हाँ, सो यहाँ पर क्या हो रहा है दैट इफ यू विल नोटिस इन द पीरियोडिक टेबल, लेट मी ब्रिंग दिस टू द पीरियोडिक टेबल ताकि आपको एक बेटर आइडिया दिखेगा. हाँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना कि ये थैलियम और लेड के पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं. ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये फिल होंगे बिफोर थैलियम, उसके बाद में फिर ये डी ब्लॉक के भरेंगे, उसके बाद में फिर थैलियम का भरेगा. तो ये 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, दीज आर नॉट गुड शील्डर्स. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट बिकॉज दीज 4f इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर्स, थैलियम विल हैव अ ग्रेटर Z effective. Outer electron will experience greater nuclear charge, and as a result,
इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है. ठीक है, दैट फैक्टर इज शोइंग इट्स इफेक्ट इन लेड ऑल्सो बट काइंड ऑफ फेड्स अवे बियॉन्ड बिस्मथ. ठीक है, बियॉन्ड बिस्मथ इट काइंड ऑफ फेड्स अवे बियॉन्ड lead we don't see a significant change in the trend. ठीक है, impact होगा, I am not denying कि impact नहीं होगा, but trend में change नहीं observe होगा. ठीक है, all right, then इसके अलावा और कोई doubt है? हाँ, एक मिनट, लेट मी हेलो सर. हाँ बोलो सर. इंडियम और थैलियम का अगर हम साइज के हिसाब से देखते तो सर वो भी एक फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, उन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है राइट. अगर देखे तो थैलियम का थोड़ा सा ज्यादा है, तो सर अगर साइज के हिसाब से देखे तो थैलियम का कम होना चाहिए ना इंडियम से. हाँ हाँ, सो ओके, सी व्हेन यू हैव फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर then one of the factor dominates and shows its effect. So yahan par you are right in saying that are when we are going from indium to thallium size to badh raha hai. Theek hai, however the increase in the size is also not much. In fact if you remember main last class mein aapko bataya tha rubidium and cesium ka example liya tha ki yahan par aap dekho jump in size kaisa hai, and indium and thallium maine bataya tha aap dekho ki jump in size was quite small only. So there was a increase in size, but a very lesser increase. And what played a role in the size was lanthanide elements ka, or you can say 4F electrons ka poor shielding. ठीक है, but क्योंकि उसने size का trend change नहीं हुआ, तो हमने उसको as an exception highlight नहीं किया. But उसका काफी dominating effect है, जो कि ionization energy में हमें देखने को मिल रहा है. That ionization energy of thallium becomes greater than that of indium. ठीक है, तो size में भी उसका impact है, but because the size impact didn't change the trend, so that kind of so वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि don't be very objective in the sense that I will have to quantify कि अगर ये decimal place में भी ज़्यादा है indium का सॉरी थैलियम का साइज तो क्या वो ज्यादा तो है ही सही ना. ठीक है, यू विल हैव टू बी अ लिटिल सब्जेक्टिव इन योर अप्रोच. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर डाउट्स? सर, इन द वीडियो लेक्चर यू सेड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द लीस्ट, देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाँ इंक्रीजिंग सक्सेसिव आयनाइज ग्रेटर एंड सो ऑन, बट सपोज एन एटम, या बट इन एन एटम लाइक मैग्नीशियम इफ इट लूजेस इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देन इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो वुडंट इट वांट टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली सो दैट इट कैन अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? नहीं नहीं नहीं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे नहीं. सो ओके, द factor which plays a greater role is the fact that effective nuclear charge, Z effective बढ़ गया. ठीक है, जैसे for example, I have opened this page for that purpose only. This is a database of ionization energy of successive ionization energy of a different element. So जैसे for example, आप neon भी देखोगे. ठीक है, just focus on, okay, you can focus on the electron volt data. ये CRC जो लिखा है वो electron volt वाला data है, जिसमें आप देखोगे neon का first IE बड़ा है. ठीक है, 21.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, बट सेकेंड आई उससे भी ज्यादा रहेगा, थर्ड आई उससे भी ज्यादा रहेगा. आप ये बोलोगे कि अरे ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ पर तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बचा, बट ऐसा नहीं है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे. द यस सोलावी आई डिड
सो मैं बहुत यूज करता हूँ विकी बट बहुत सिलेक्टिवली. सो यहाँ पर इवन आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपेंस इज दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस सॉरी इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मोर. ठीक है, अब जैसे आप सोडियम में देखोगे, ठीक है, सोडियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5 EV का था एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 47 EV का हो गया. तो यहाँ पर भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ. ठीक है, बट आप जंप देख रहे हो, जंप बहुत फिनोमिनल सा है, 5 से सीधे 48 हो गया. तो यहाँ पर क्या हो गया, दो फैक्टर्स प्ले कर गए रोल, एक कि पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा कि सोडियम ने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अक्वायर कर लिया. ठीक है, थैंक यू सर. हाँ ठीक है, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? यश क्या पूछ रहे हो, why is ionization energy of hydrogen significantly higher than that of Li and than that of others? मतलब अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल्स के अंदर ही, यू आर सेइंग कि अल्कली मेटल्स में इट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर्ड टू दीज अदर मेटल्स. सो प्राइमरली द रीजन वुड बी बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, यहाँ पर इन सब में लिथियम सोडियम पोटेशियम, दीज आर ऑल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विच हैव देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसिंग द कंप्लीट न्यूक्लियर न्यूक्लियर पुल. That is why yahan par there is a significantly high ionization energy as compared to these other alkali metals. Theek hai, in fact hydrogen is that is why matlab hydrogen is not really a metal per se, it is placed in the s block but iska position is still contested. Matlab if you go and see NCERT, ठीक है, एनसीईआरटी में तो इसको उन्होंने हटा दिया है वहां से, मुझे इसको अलग से ड्रॉ करो, आई शो यू. ये हाइड्रोजन को ऐसे अलग से शो कर रहा है बिकॉज हाइड्रोजन शोज अ लॉट ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टीज, इट फॉर्म्स अ लॉट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉट something which is with metals. Okay, all right, any other questions and doubts? Okay, aapko next class ka target clear hai, I'll still mention it on the group for everyone's benefit and then ye questions test ki tarah attempt karna. Theek hai, and I'm telling you pehle se ki performance itna acha nahi aayega, theek hai, because acche questions hai. हाँ केदार, एनसीईआरटी फॉलो करने का, वो जो नोमेनक्लेचर का एम्बिग्विटी है, फॉलो एनसीईआरटी. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, देन लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर. थैंक यू गाइज.